जैसे मेरे पापा ने अपने देश के लिए अपनी जान दी सेवा की, ये मैं चाहती हूँ कि उनका बेटा यानी मेरा भाई भी देश का सेवा करने के लिए एकदम आगे हूँ, हमेशा करूँगी। बहुत बहुत गर्व की बात है, मैं आज कहीं भी सर उठा के बोलूँगी कि वो मेरे पापा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया। और मैं भी चाहूँगी कि मेरे भाई वो भी देश का सेवा करें। मेरे पति तो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन मैं अब वही चाहती हूँ कि मेरे बेटा भी देश का रक्षा ही करे। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद थे आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे। आओ उन्हें झुककर सलाम करें जिनके हक में ये मकाम आता है, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें दोस्तों, कश्मीर बॉर्डर पर 16 दिसंबर को एक जवान को गोली लगती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन 24 दिसंबर 2021 को वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। आपको बता दें वो लाल सिवान का, लाल सिवान के तलकत्थू का रहने वाला वो जवान शिवजी यादव। आपको बता दें सही मायने में वो खून खुशनसीब होता है जो देश के काम आता है। आज जो उनका पार्थिव शरीर उनके गांव तलकत्थू पहुंचा था, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लोग हैं और इन सब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें सलाम किया है। और सही मायने में ये जो कुर्बानी है इसे देश हमेशा याद रखेगा और हमारे शहीदों की कुर्बानी अब बेकार नहीं जाएगी, ये अमर रहेंगे। हमारे साथ शिवजी यादव जी के पिताजी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये कितने गर्व की बात है, दुख की बात ज़रूर है, लेकिन देश के ऊपर कुर्बानी देने वाले का पिता क्या कुछ कहता है, हम बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, बहुत दुख की बात है, लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे? दुख की बात है, लड़का हमारा यहीं पर था जी, छुट्टी में था, उसके बाद चले गए ड्यूटी में, और ड्यूटी में जाने के बाद 4 तरीके से गया ड्यूटी में जी, 4 दिसंबर को। दोस्तों आपको बता दें अभी ये आए हुए थे और 15 दिन यहाँ थे, 4 दिसंबर को यहाँ से वो वापस गए, वापस ड्यूटी चले गए जी। और ड्यूटी जाने के बाद उनको क्या हुआ, जब 16 तारीख को उसको गोली लग गया। 7 बजे भोर में, सुबह में 7 बजे। एक पिता के नाते सर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बेटे ने देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी है? देश के लिए तो शहीद हो ही गए, बाकी हमको दुख देकर गए। सरकार से सर क्या कुछ अगर आपको कहें तो मांग होगी आपकी? सरकार को हमको मांग है कि हमारा लड़का नाती का नौकरी होना चाहिए, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना चाहिए, उनके नाम से अरंडा से लेकर तलकत्थू पंचायत तक उसका अथी रोड बनना चाहिए और उसका अथी बनना चाहिए, क्या नाम है जी, समाधि बनना चाहिए। हम अपना जमीन दिए हैं समाधि बनाने के लिए, ये होना चाहिए सरकार से। दोस्तों आप देख सकते हैं ये शिवजी यादव के पिताजी हैं और सही मायने में बेटे की ये ख्वाहिश होती है कि उसके कंधे पे उसके बाप की अर्थी हो, लेकिन अगर बाप के सामने कोई बेटा गुजर जाता है तो ये बड़ी दुख की बात है। 16 दिसंबर को उन्हें गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 24 दिसंबर को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें आज उनका पार्थिव शरीर था वो उनके गांव तलकत्थू पहुंचा है, जहां उनका अंतिम संस्कार आज किया गया है। ऐसे वक्त पे पूरा देश शिवजी यादव जी के परिवार के साथ है, वही हम तलकत्थू से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ जो शहीद हुए हैं शिवजी यादव जी, उनकी बेटी हैं। मैडम बहुत दुख की बात है, क्या कुछ कहेंगी आप? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे पापा ने अपने देश के लिए अपनी जान दी सेवा की, ये मैं चाहती हूँ कि उनका बेटा यानी मेरा भाई भी देश का सेवा करे जी। बस ये अभी भी आप लोगों के अंदर हौसला है? जी, मैं बिल्कुल देश का सेवा करने के लिए एकदम आगे हूँ, हमेशा करूँगी। मैं तो चाहती हूँ मेरा दोनों भाई देश का सेवा करे जी बिल्कुल। क्या कुछ बता पाएंगी कैसे ये? जी नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे बस इतना ही पता चला कि मेरे पापा ने उनका हो गया निर्धन हो गया है। कब पता चला? 24 तारीख को रात में 3 बजे जी, जब गोली लगी थी 16 को, तब 16 को बताया उस दिन, नहीं उस दिन बताया गया कि उनको गोली लगी है जी।
बहुत दुख की बात है, लेकिन अब देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, तो ये कितनी गर्व की बात है आपके जी, लिए? बहुत बहुत गर्व की बात है। मैं आज कहीं भी सर उठा के बोलूँगी कि वो मेरे पापा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया। अब मैं भी चाहूँगी कि मेरे भाई वो भी देश का सेवा करें, मैं यही चाहूँगी। आप अपने भाइयों को भी BSF में ही भेजना चाह रही हैं, और जिलेवासियों के साथ देशवासियों का आपका क्या संदेश रहेगा? जी बिल्कुल, मैं यही चाहूंगी जो भी मेरे नौजवानों हैं आगे आए, देश की रक्षा करें, देश का गौरव बने। जी जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर सरकार से आपकी कोई मांग हो तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जो भी आदमी अगर स्वर्गवास हो गया है, जो भी सरकार से बनता है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने पापा, मेरा मम्मी ने अपने पति, मेरा भाई, मेरे बाबा ने अपने बेटा, मेरे दादा ने अपने बेटा खोया है। बहुत दुख की बात है, फिर भी हम लोग ने देश की सेवा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल नहीं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मेरे साथ दोस्तों उनकी पत्नी भी हैं। मैडम क्या कुछ कहिएगा, बहुत दुख की बात है, लेकिन पूरा देश आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। मेरे पति तो देश के लिए शहीद हो गए जी, लेकिन मैं अब वही चाहती हूँ कि मेरे बेटा भी देश का रक्षा ही करे, रक्षा करे जी। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है कि इनके पति जो हैं उन्होंने देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन अभी भी इनका हौसला है कि हमारे बेटे वो भी देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान करें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले एक साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूंगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था, फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली